इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा में इसराइली नियंत्रण के स्पष्ट संकेत देते हुए रविवार को अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ हमास के शासन वाले इलाके में दाखिल हुए और इसराइली सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने अंत तक लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। नेतन्याहू ने कमांडरों और सैनिकों से सुरक्षा जानकारी हासिल की और एक सुरंग का दौरा किया। नेतन्याहू ने कहा, हम अपने वीर सैनिकों के साथ यहां गजा में पट्टी में हैं। हम अपने बंधकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अंत में हम उन सभी को वापस ले आएंगे। इस युद्ध में हमारे तीन लक्ष्य हैं, हमास को खत्म करना, हमारे सभी बंधकों को छुड़ाना और यह सुनिश्चित करना कि गजा फिर से इसराइल के लिए खतरा न बने। इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ स्टाफ तजाची ब्रेवरमैन और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निदेशक तजाची हानेगबी समेत अधिकारी मौजूद हैं।